जो हमारी दूसरी टेक्निक है वो पहली टेक्निक से थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वो इस तरह से कि इसमें आप सिर्फ एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये हैवी ड्यूटी ट्रिम क्लीनर है तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास ये, क्योंकि आपका जो सेकेंड स्टेप है वो आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ऐसी क्लीनर वैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके ट्रिम पे कोई निशानात ना छोड़े अगर वो खुश्क हो जाए। मसलन के जैसे फार्मूला वन की जो प्रीमियम लिक्विड वैक्स है या उसका जो पेस्ट वैक्स है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें एब्रेसिव्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वो हम ऑक्सीडेशन रिमूव करेंगे। जो वैक्सेस ट्रिम के ऊपर निशानात नहीं छोड़ती उनके ऊपर अक्सर लिखा होता है नो वाइट रेजिड्यू। इसी तरह सोनेक्स की जो एक्सट्रीम पॉलिश प्लस वैक्स टू जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी पॉलिश प्लस वैक्स थ्री भी आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्री में कट ज़्यादा होता है, उसकी कटिंग पावर ज़्यादा होती है। जो टू है वो एक तरह की क्लीनर वैक्स है, उसको आप एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी अपने पेंट पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको हम ट्रिम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई निशानात नहीं छोड़ेगी। तो इसमें एक क्लीनर वैक्स आप इस्तेमाल करें और अपना पॉलिशिंग पैड, अगर आपके पास मशीन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन नहीं है तो आप अपना हाथ से भी पॉलिश कर सकते हैं। प्लास्टिक के इस हिस्से को मैं एक मरतबा साफ़ कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं क्लीनर वैक्स के साथ दूसरी मरतबा साफ़ करूँगा। सबसे पहले तो आप क्लीनर वैक्स को अपने पॉलिशिंग पैड के ऊपर लगाएं और उसे अच्छे तरीके से प्लास्टिक के ऊपर फैला दें। इसके बाद अपने पॉलिशिंग पैड को प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा ज़ोर लगाकर साफ़ करें ताकि उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन है और अगर कोई जमी हुई मिट्टी है तो वो साफ़ हो जाए। अगर आपके पास पॉलिशिंग मशीन है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मशीन के जो रिज़ल्ट हैं वो हाथ से पॉलिश करने से कई गुना बेहतर है। इस वीडियो के पार्ट थ्री में मैं मशीन का इस्तेमाल भी दिखाऊँगा। पॉलिशिंग पैड से साफ़ करने के बाद और माइक्रोफाइबर से साफ़ करने के बाद अगर आपके पॉलिशिंग पैड या माइक्रोफाइबर के ऊपर काले निशानात आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक मर्तबा और साफ़ करने की ज़रूरत है। क्लीनर वैक्स के जो रिज़ल्ट हैं वो एक मैट फिनिश की तरह हैं बनिस्बत प्रोटेक्टेंट के, जो कि शाइन ज़्यादा छोड़ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसे इसी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्टेंट है तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने तीन वैक्सेस का ज़िक्र किया है जो कि आप प्लास्टिक को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला वन की प्रीमियम वैक्स, सोनेक्स की एक्सट्रीम वैक्स टू और एक्सट्रीम वैक्स थ्री। इन वैक्सेस को ज़िक्र करने की वजह ये थी कि ये तीनों वैक्सेस ट्रिम फ्रेंडली हैं और इनके अंदर एब्रेसिव्स हैं। एब्रेसिव्स की मदद से हम प्लास्टिक को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी मार्केट में कुछ वैक्सेस हैं जो कि ट्रिम फ्रेंडली हैं, जैसे कि हारिस की प्रीमियम हार्ड वैक्स है, सोनेक्स की एक्सट्रीम वैक्स वन है, मेगवायर्स की अल्टीमेट लिक्विड वैक्स है। इसकी जो पेस्ट वैक्स है वो अलबत्ता मेगवायर्स रेकमेंड नहीं करता ट्रिम के लिए। इसके अलावा जो है टर्टल वैक्स की आइस पेस्ट वैक्स और लिक्विड वैक्स, दोनों ट्रिम फ्रेंडली हैं। इनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अलबत्ता ट्रिम फ्रेंडली ज़रूर है लेकिन इनमें एब्रेसिव्स नहीं है, तो आप इनको इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक को साफ़ नहीं कर सकते,
लेकिन हाँ, अगर आपके पास इनमें से कोई एक वैक्स भी मौजूद है और आप प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपने प्लास्टिक के ऊपर इनको लगा सकते हैं।